सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक अच्छी सिनेमा बन रही है भिड़ंत, जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे और अच्छी अच्छी सिनेमा हम करते। और क्या नेगेटिव शेड होगा, क्या हार्डकोर विलन हो गया भिड़ंत में? हार्डकोर तो है ही, लेकिन विलेन जो है इसमें ना, वो बहुत हार्ड कोर नहीं है, कहीं ना कहीं से सॉफ्ट कॉर्नर भी है उसके अंदर। तो ऐसा है, विलेन तो विलेन ही होता है। एक बार फिर आप और विराज भट जी आमने सामने हैं चीरहड़ के बाद, उसमें चीरहड़ किया था, इसमें विलेन की कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार है बॉस। विराज जी के साथ काम करने का अनुभव बताएं। विराज जी के साथ हमने पहली फिल्म की थी चीरहरण, जो कि बहुत ही अच्छी सिनेमा रही। अभी शायद ईद के बाद वो रिलीज़ होगी, कुछ टेक्निकल ख़राबी के कारण अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई थी, लेकिन जो कि अब दुरुस्त हो गई है फिल्म, और एडिटिंग में है, पोस्ट प्रोडक्शन में है वो, जो कि ईद के बाद रिलीज। और बहुत अच्छा अनुभव रहा विराज जी के साथ काम करके। फिल्म के लेखन निर्देशक सोम भूषण श्रीवास्तव जी का जी, वो पहली बार डायरेक्शन के क्षेत्र में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि सोम जी एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आए भिड़ंत, और बहुत ही शिद्दत से लिखी है उन्होंने, तो इसके लिए उनको धन्यवाद है, शुभकामना है। और निर्देशन तो खैर वो पहली बार कर रहे हैं, इसके लिए भी शुभकामना है। इस फिल्म को लेके दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या ऐसा यूएसपी, कुछ नया क्या होने वाला? यूएसपी तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम इसको एक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कहानी बहुत ज़बरदस्त है, कहानी बहुत अच्छी लगेगी, वल्गरिटी नहीं है इसमें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, बिल्कुल वल्गरिटी नहीं है, और सिनेमा बढ़िया बनेगी। म्यूजिकली कैसे, जब ये एक्शन मूवी दिख रही है तो म्यूजिक का कितना इसमें? नहीं, सिचुएशनल है, सिचुएशन जहाँ जहाँ है म्यूजिक का, वहाँ पे म्यूजिक है, म्यूजिक भी खूबसूरत है, मधुकर जी बना रहे हैं अभी म्यूजिक अंदर। आज एक गाना रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, किस तरह का गाना है? गाना तो आइटम सॉन्ग है इसमें, अभी आइटम सॉन्ग हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, मधुकर जी कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। अच्छा संजीव जी, आपको अमूमन जब मैं देखता हूँ, आपको एक अलग किस्म का विलन प्ले करते हो, जो गले में ढेर सारा सोना पहनता है, बड़ा रिच किस्म का, चाहे वो टीवी की बात हो, क्राइम शोज हो, या फिर मूवीज की भी बात हो, ये अलग किस्म का विलन होता है, कभी ऐसा गरीब किस्म का विलन नहीं करते? ऑब्वियसली हो सकता है, विलन तो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव जो है ना, नेगेटिव एलिमेंट तो गरीब में भी है, अमीर में भी है। शायद आप क्राइम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने प्ले किया था, जो ये एक बाहुबली होता है, तो अब बाहुबली अब अमीर आदमी है, तो यहाँ चेन अब खेसारी जी भी काफ़ी पहन रहे हैं, अमीर हो गए हैं। तो खेसारी जी के रास्ते पे आप भी निकल पड़े हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खेसारी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, इंसान हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं भी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे आप गरीब लगते नहीं, शायद कह सकते हैं। मतलब ये सोना, ढेर सारा सोना पहन के घूमने वाला हमारे पास एक विलन भी है, हीरो ही है, ये विलन भी है? नहीं, विलन वो ढेर सारा सोना सिर्फ ऑन रील है, रियल नहीं है, बस सिर्फ एक घड़ी है, बाकी कहीं सोना नहीं दिखेगा कान में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।